हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बैलेंस स्विंग मशीन को सेट कैसे करते हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि लैब में हम लोगों को कोई सा भी केमिकल प्रिपेयर करना होता है तो उसके लिए हम लोगों को उसको मतलब एक क्वांटिटी में लेना होता है, जैसे 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस बैलेंसिंग मशीन में एक यहाँ पे एक सेट करने का ऑप्शन आता है, आपको बॉल दिख रहा होगा, है ना। ये बॉल प्रॉपर होता नहीं है और इसमें क्या है कि लोग केमिकल का वजन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका केमिकल प्रॉपर जितने ग्राम हम लोगों को लेना होता है उतने ग्राम हम लोग ले नहीं पाते हैं और मतलब प्लस माइनस होता है, उसमें कुछ वेरिएशन आता है। तो साथियों, हम लोगों को कोई सा भी केमिकल प्रिपेयर करने से पहले जिस बैलेंसिंग मशीन में हम लोग उसको तोड़ रहे वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए। तो साथियों, इसका सेट करने का तरीका क्या है कि जो मशीन होती है ना, इसमें इधर नीचे की साइड पे व्हील लगे होते हैं, इस तरीके से इसके अंदर व्हील लगे होते हैं। ये व्हील क्या होता है साथियों, हम लोग इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। घुमाने से क्या होगा, आप अभी देखिएगा, इसके अंदर इस तरीके से हम लोग इसको घुमा रहे हैं और घुमाने से बॉल क्या होगा कि इधर उधर जाने लगेगा। ये आप देखिएगा, इसको हम लोग इस तरीके से घुमा रहे हैं और इसको हम लोगों को सेंटर में लेके आना है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है, ये वाली साइड से आ जाएगा, ये वाली साइड दिया हुआ है घुमाने का। इधर से हम लोग घुमाएंगे तो अभी देखिएगा आप, कोने पे जा रहा है, इधर हम लोग इसको घुमाएं, ये सेंटर में आ गया। और अब यहाँ पे देखिएगा, ये बिल्कुल 0-0 बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग मशीन को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर है जो बॉल दिया हुआ है, इसका सब लोगों को ध्यान रखना है, ये हमेशा सेंटर में होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, इस मशीन के अंदर आपने यहाँ पे देखा होगा, इस तरीके का इसका डिस्प्ले दिया होता है, यहाँ से ऑफ होता है, एक कैलिब्रेशन का ऑप्शन है। ये जो सेंटर वाला दिया हुआ है, ये यहाँ से हम लोग इसको एयर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को अगर इसका यूनिट डिसाइड करना है, यूनिट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है, ये इसको यहाँ से हम लोग इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ साथियों, हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो हमारी मशीन है वो हमेशा कैलिब्रेट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि लोग मशीन में ये इसको हम लोग सेंटर में सेट कर देते हैं, लेकिन हमारी मशीन क्या होती है कि कैलिब्रेट नहीं होती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारी मशीन हमेशा कैलिब्रेट होना चाहिए। जैसा आप इसको इधर देखेंगे ना, तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें कैलिब्रेट का दिया हुआ है, तो हमारी मशीन हमेशा कैलिब्रेटेड ही होना चाहिए। कैलिब्रेट इक्विपमेंट ही हमेशा लैब में यूज होना चाहिए, इस बात का साथियों सब लोगों को ध्यान रखना है। धन्यवाद। साथियों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरे वीडियो से तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।